बेटे की जान बहुत सही 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 फिर वाह 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 फिर क्या हुआ अरे वाह सही है भाई बाबू क्या चुटकुलों की किताब पढ़ रहे हो। अरे नहीं ससुर जी, पिछले जन्म के जो फल होते हैं ना उसके राज के बारे में पढ़ रहा हूँ। राज पिछले जन्म का तो सही होती है, इसमें इतनी हंसने की बात क्या है। अरे ससुर जी, इसमें बहुत बढ़िया मजे की बात लिखी है। इसमें लिखा है कि जो इंसान पिछले जन्म में कर्जदार होता है ना, वो कर्जा चुकाने के लिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। बेटे की जान, मतलब उस हिसाब से पिछले जन्म में मैंने किसी को घर जमाई बनाया होगा, तो अभी तो इस जन्म में मैं घर जमाई बनाऊ ससुर जी। है जमाई बाबू, जमाई बाबू, इसका मतलब कि हम पिछले जन्म में सब लोगों ने हमारी खूब सेवा की होगी ऐसे, और पिछले जन्म में जरूर हम राजा रहे होंगे ऐसे। ओ कोयले की खान के राजकुमार, मैं बताता हूँ तू पिछले जन्म में क्या था। तू था सांप नचाने वाला, तभी तो भगवान ने तुझे इस जन्म में काला सांप बना के भेजा है, वो भी जहरीला ऐसे। वैसे ससुर जी, आप ये रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? उत्तम प्रश्न, थैंक यू। इस प्रश्न का उत्तर भी हमें पता है। अरे वाह, परंतु अभी हमें याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। सर भाई आप बताओ, आप बिलीव करते हो ये पुनर्जन्म में रीइंकार्नेशन में? मैं तो पूरा विश्वास रखता हूँ। अजाब गजाब घर जमाई। नीचे ये ना जमाए बाबू, बोलो ना रोटी नीचे है। वो क्या है ना, आप रोटी लेंगे तो हमारे पिछले जन्म का कर्जा जो है ना एकदम बराबर हो जाएगा ऐसे, और हम अगले जन्म में राजा बन जाएंगे ऐसे। ओ बड़े लाल जी, आपके अगले जन्म के चक्कर में मैं रोटी खा खा के मर जाऊं और फिर दोबारा से जन्म लूं, बेवकूफ आदमी। अरे भाई ये तुमने क्या अगला पिछला जन्म लगा रखा है। नानी मैं बताता हूँ, वो क्या है ना, साडू भाई एक किताब पढ़ रहे हैं, क्या नाम है उसका, अब राज पिछले जन्म का, बस सुबह से वही डिस्कशन चल रही है। अरे बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ये पिछले जन्म के चक्कर में इस जन्म को मत खतरे में डालो, ये कुछ नहीं होता अगला पिछला जन्म। अरे नानी अगले जन्म मुहे बिटिया ही कीजो। अरे बेटा अगले जन्म क्यों, इस जन्म में भी तुम बिटिया ही हो। अरे नानी हम हिट सीरियल की बात कर रहे हैं, अगले जन्म मुहे बिटिया ही कीजो, तो इसका मतलब है कि अगला जन्म पिछला जन्म सब होता है। तो प्रश्न ये उठता है, अगर पिछला जन्म है तो हमें स्मरण क्यों नहीं रहता? आपको इस जन्म का कुछ स्मरण है? भाई हम तो ये मानते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता, ये अगला पिछला जन्म कुछ नहीं होता, खाना खाओ भाई। नानी जी आपके और मेरे विचार कितने मिलते हैं ना, मैं इन ढके अनूसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कभी किसी ने किसी का पिछला जन्म देखा है क्या, तो हम कैसे मान लें कि पिछला जन्म होता है, क्यों नानी जी? हाँ। साडू भाई आपने मुजफ्फरनगर देखा है? नहीं। तो इसका मतलब वो है नहीं है, वो है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या मुजफ्फरनगर पुनर्जन्म? हमारे हरियाणा में रोहतक का एक 8 साल का बच्चा है, उसे अपने पुनर्जन्म के बारे में सारी बातें याद है और सारी बातें सच्ची है नानी जी। तो ये बात है चिंटू बेटा, हम भी अपने आंखों देखी पर ही यकीन करेंगे। तो ये बात है नानी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बुला लेते हैं उनको, जन्मलता चंदेल जी को, वो इंसान को ना पुनर्जन्म में लेके जाती है। आप सब लोग अपनी आंखों से देख लेना, फिर आप सब लोगों को यकीन हो जाएगा। तैयार हो जाओ, तैयार। जन्मलता चंदेल, राधे राधे लता जी, आइए आइए, आपका स्वागत है ऐसे। ऐसे हो या वैसे हो, Who comes, he goes. Faith कर, दान कर और कर good deed. हर रोज कर अच्छा कर्म, वेट ना कर वो दिवाली होली या ईद। अंग्रेजी नमस्कार। राधे राधे, बैठिए बैठिए। आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वैसे शक्तिशाली निवास तो हर कोई जानता है। शक्तिशाली तो वो है। नहीं नहीं हम है। हाँ। मैं ऊपर वाले की बात कर रही हूँ। ओ हाँ हाँ वो भी है। जो सबको नचाता है, कुदरत देखो कर्ज देखो सब यही रह जाता है, बस अपना कर्म अपने साथ जाता है।
एक मिनट, ये कुदरत देखो कर्ज देखो मतलब फिल्में हैं पुनर्जन्म। इसका मतलब है पुनर्जन्म सच में होता है? जी बिल्कुल, मैं अपने पिछले जन्म में जाकर आई हूँ। जी हम भी जाना चाहते हैं। तुम मेरे पिछले जन्म में जाकर क्या करोगे? नहीं नहीं, हम अपने पिछले जन्म में जाना चाहते हैं। ऐसे बड़े लाल जी, फिलहाल आपको तो रसोई में जाना होगा, जाओ चाय ठंडा ले आओ कुछ, जाओ। वैसे लता जी एक बात बताइए, आपने पहले किसी पे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये सब ट्राई किया, किसी को भेजा है पुनर्जन्म में? Yes, of course, so many I have sent. Really? वो हमारा वो क्रिकेटर है ना, वो रहा। कहाँ रहा? क्रिकेटर वो रहा, उसे भेजा है पिछले जन्म में। पिछले जन्म में वो चमगादड़ था। ओ, एक मिनट, हमारा फोन आया है। हाँ हाँ हाँ, आते हैं पन्ना जी, आते हैं पन्ना। क्या हुआ नानी जी? पन्ना की तमन्ना है, है? हमारा मतलब पन्ना जी चाहते हैं कि हम अस्पताल आए। क्या हुआ आपको? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ, हमारे किसी रिश्तेदार को देखने जाना है, तुम हमारे पीछे इनको भेज देना। अस्पताल? नहीं नहीं, पिछले जन्म में। अच्छा अच्छा, राधे राधे। तो कहिए किसे जाना है पिछले जन्म में? चुप क्यों है, बोलिए कौन जाएगा पिछले जन्म में? सासु माँ आप क्यों नहीं चली जाती? चिंटू जमाई जी, किसी मंदिर में भेजते तो हम खुशी खुशी चले जाते, लेकिन पिछले जन्म में ये हमसे ना हो पाएगा, आप किसी और को भेज दीजिए ना। हमसे हो पाएगा? आप हमें भेजिए ना अपने पुनर्जन्म में। तू रहने दे, ओ ओ जहरीले सांप, तू किसी बिल में घुस गया तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, रहने दे भाई रहने दे। प्यारे ससुर जी आप क्यों नहीं चले जाते? बेस्ट है। क्या चले चले जाओ, चलो नासा के चले जाओ। कदाचित मैं आने का मार्ग भूल गया तो विज्ञान को कितनी हानि पहुंचेगी सोचो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, जब हल का ना हो सोल्यूशन तो फिर चिट है द ओनली ऑप्शन। इन पर्चियों पे मैंने सबके नाम लिख दिए हैं, जो दो पर्चियां मैं उठाऊंगी वही लोग जाएंगे पिछले जन्म में। तो आइए देखते हैं कौन है मेरे करण अर्जुन। पीके विज्ञान, और दूसरा नाम कृष्णा। कुछ गलती हुई होगी पीके जी, पहले आप चलिए मेरे साथ। आओ ससुर जी आओ। अरे आप ही चश्मे नहीं उतारेंगे? ठीक से पिछला जन्म नहीं दिखा तो? ओहो ससुर जी और साफ दिखेगा, आप बिना कमाल की बातें करते हो, ये अपने हथियार यहाँ लगा लो। हाँ अब सही है। कर रहा हूँ मैं। आपसे नहीं कह रही हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको नींद आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही है। बताइए क्या आपको नींद आ रही है? हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेंडुलम 2 डोलन पर सेकंड की गति से डोल रहा है। गति छोड़िए, पेंडुलम पे ध्यान दीजिए। चलिए कॉन्सेंट्रेट, अब आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपको नींद आ रही है। अब आप 5 साल पीछे जा चुके हैं, अब आप 40 साल के हैं। सुंदरी जी, सासू माँ हमें
नासा कब भेजेगी सुंदरी? अब आप 30 साल के हैं सुंदरी, हमारी शादी को 10 साल हो गए, सासू माँ हमें नासा कब भेजेगी सुंदरी? अब आप 20 साल के हैं सुंदरी। सुंदू, आज हमारी शादी की पहली रात है, आज हम तुम्हारा घूंघट उठाएंगे, उसके बाद उसके बाद तुम हमें एक सत्य बताओगी, सासू माँ हमें नासा कब भेजेगी? हाँ सुंदरी, अब आप अपने पिछले जन्म में जा रहे हैं, अब आप सब ऐसे करिए, हर हर। ये जरूर पिछले जन्म में भेजने की प्रथा होगी। नहीं, वो तो जब कोई जाता है तो ऐसे बाय बोलते हैं ना, वो है। चलो सुन ले, हर हर जाइए पीके जी, अपने पिछले जन्म में जाइए, जाइए हर हर। अब ये अपने पिछले जन्म में जा चुके हैं। तालियां तालियां ऐसे। बोलो ओ शांति, ओ शांति, ओ जय शाहरुख खान। बोलो जय शाहरुख खान, जय शाहरुख खान। पीके जी, अपने पिछले जन्म में ना हो परेशान, पीके जी अपने पिछले जन्म से ना हो परेशान। अब अगले आधे घंटे में मधुमति की तरह ने होश आ जाएगा, और फिर अगले 24 घंटे तक ये वही बने रहेंगे जो ये पिछले जन्म में थे। लेकिन लता जी, हमने राज पिछले जन्म का सीरियल में देखा था कि एक सीधा साधा शांत सा इंसान भी ना कभी कभी पिछले जन्म में सीरियल किलर होता है। हाँ हाँ लता जी, अगर अगर ये कोई डकैत निकले तो, और नानी जी की बंदूक हम सब पे तान दी तो? नो प्रॉब्लम, उसका एक सरल सा उपाय है हमारे पास जिससे कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या? इजी, ऐसे इंसान के सर पे एक जोरदार डंडा मारना है और उसे बेहोश करना है, और फिर 24 घंटे तक उसे बांध के रखना है। लेकिन आपने तो कहा था कि कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी ना। बहुत सही बहुत सही बहुत सही कह रही हो आप, हैं लता जी। अब साडू भाई का नंबर लगेगा, है अगला नंबर तो उन्हीं का है ना। मेरे प्यारे बड़े लाल जी, जिस लड़ को सुबह से शाम तक तेल पिलाते हो इतने दिनों से, उसको बाहर निकालो। क्यों? अरे बेवकूफ आदमी, हो सकता है ना ये किलर हो, सीरियल किलर है, तो फिर क्या लड़ ढूंढने जाएगा? आई बात समझ में है? राधे राधे, साडू भाई को जल्दी से पिछले जन्म में पहुंचा दे। हाँ हाँ, पहले इन्हें अपने कमरे में ले जाइए। अजब गजब घर जमाई।